नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्निहोत्री। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के दो लेक्चरों में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट स्टार्ट किया था, जहां हमने सबसे पहले जनरल मेथड से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और CF और PI निकाला था अपन ने। आज हम PI निकालने के शॉर्टकट तरीकों पर ध्यान देंगे। चलिए, तो आज हमारा जो मेथड है वो है शॉर्टकट या शॉर्ट मेथड्स ऑफ PI। PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी मेथड है ये। यूनिट सेकंड का पार्ट है आपका ये। चलिए देखो, इसमें क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है FD(y) इज इक्वल्स टू Q(x)। इस इक्वेशन का जो CF PI होता है वो y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। CF निकालने का तरीका वही है जो हम लोगों ने इससे पहले वीडियोस में किया था। आज हम इस PI को निकालना सीखेंगे शॉर्ट तरीके से। अब PI निकालने के लिए कुछ हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, तो उन पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए PI निकालने के लिए अलग अलग शॉर्ट तरीके होते हैं। तो जैसे सपोज करो कि आपके पास, मान लेते हैं यहाँ जो Q(x) है, मान लिया ये आपको दिया हुआ है e^(ax)। अब यदि यहाँ पे जो Q(x) है वो अगर आपका e^(ax) है, तो उस केस में हम इसका PI कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीके से वो देखते हैं अपन। तो देखो, अपन मान लेते हैं यहाँ पे ये ले लिया मैंने, यहाँ पर FD(y) इज इक्वल्स टू e^(ax)। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, PI निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 अपॉन FD(e^(ax)। क्लियर है। अब क्या करना है, केस फर्स्ट, अगर आपने यहाँ पर डी की जगह पर ए रखा, यहाँ डी की जगह पर अगर हमने क्या रखा, ए को रखा, और ये अगर आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, तो उस केस में जो हमारा PI है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन FA(e^(ax)। तो ये हमारा हो जाएगा PI शॉर्ट तरीके से। क्लियर। केस सेकंड, अगर हम बात करते हैं केस टू की, ये केस फर्स्ट हमारे पास, ये केस टू, यदि यहाँ पर आपने जैसे ही इस डी में आपने ए रखा और ये क्या हो गया आपका, ए रखते ही वैल्यू क्या बन गई, ज़ीरो हो गई, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जब हम PI निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x^r d/dd FD, और यहाँ पे आएगा e^(ax)। इसमें क्या होता है, अगर आपका जीरो बन रहा है तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d, ठीक है। एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो x आएगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी d में वहाँ पे हम a रखेंगे। अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है तो हमारा आंसर है, लेकिन अगर a रखने पर जीरो बनता है तो हम दोबारा फिर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, और वापस x को प्रिंट टू करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक कि नीचे जीरो बनना बंद नहीं होता है, इसलिए r लगाया मैंने यहाँ पे। r का मतलब, अगर एक टाइम आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो x आएगा, दो टाइम कर रहे हैं आप डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर आएगा, और तीन बार कर रहे हैं तो x क्यूब आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम इस पर काम करते हैं, इन दोनों पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें ये चीज़ क्लियर हो कि हमें किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनता है और कैसे सॉल्व करना है। देखो, आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया हुआ है d^2d+5y = e^(-x), ठीक है। अब मुझे इसका सॉल्व करना है, CF भी निकालना है, PI भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर इसकी बनाई ऑक्सिलरी इक्वेशन AE, ये हो जाएगा m^2m+5 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, m के रूट्स निकाल लेंगे। तो आप एक काम करें, लगाएं श्रीधराचार्य लगाते हैं अपन, तो प्लस का b 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b^2
बी स्क्वायर में आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसको आप तो 2 प्लस माइनस 20, 20 में से 4 गया 16 और 16 माइनस का आ रहा है तो माइनस आयोटा बाहर ले लेंगे, यहाँ 4 अपॉन में 2 करोगे सिंप्लीफाई तो जाएगा 1 प्लस माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एम के रूट्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं इट मीन्स यहाँ पे आपके पास उसका सी एफ बनेगा, तो उसका सी एफ हम क्या बना लेंगे, हमारा सी एफ हो जाएगा यहाँ पे सी एफ इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ रहा है अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, ये ना तो अल्फा यहाँ पे बन दिया हुआ है तो ई रेज टू पावर एक्स अंदर आ जाएगा सी वन, ठीक है, फिर आएगा कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सी एफ आ गया। अब हमें निकालना है पी आई, पी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे इस पूरी टर्म को हम इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस का टू डी प्लस फाइव। हाँ जी बच्चों देखो यहाँ पे फिर हमारा क्या जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो आप क्या करना है, आपको पी आई निकालना है तो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से जो वैल्यू है उसको यहाँ रखेंगे अपन, तो रखो ज़रा, ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन पुट करेंगे वैल्यू तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन प्लस फाइव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्म ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आपका ऐसे रहेगा तो वन अपॉन वन प्लस टू और ये जाएगा प्लस का फाइव ई रेज़ टू पावर माइनस का एक्स, कितना आ गया वैल्यू वन अपॉन एट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तो हमारा पी आई आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी एफ कितना आया था ई रेज़ टू पावर एक्स सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस वन अपॉन एट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो ये आपका एक शॉर्टकट तरीका हो गया, यदि हमारे पास क्यू एक्स क्या दिया हुआ है ई रेज़ टू पावर एक्स में आपको दिया हुआ है। चलिए अब सेकेंड लेते हैं, सपोज़ करें हमारे पास अगर क्यू क्यू ऑफ एक्स है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब ले लेते हैं अपन साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स की फॉर्म में हो, ठीक है, अगर इस फॉर्म में अगर हमारे पास आ रहा है तो हमें इसका शॉर्टकट तरीका क्या देखना है। देखिए जैसे सपोज़ करो कि मुझे मेरे पास जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, एफ ऑफ डी क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है साइन ए एक्स, क्लियर है। क्या करेंगे आप, सी एफ निकालने का तरीका सेम वही जो पहले पहले किया था, हमें निकालना है पी आई, तो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम इस एफ ऑफ डी को इसको नीचे ले आएंगे तो वन अपॉन एफ ऑफ टी और यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वही दो केस देखने हैं तो जाते हैं पहले केस के अंदर। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज़ करो कि जो आपको एफ ऑफ डी दिया हुआ है ये जो आपका मतलब एक तरीके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जहाँ भी डी स्क्वायर की फॉर्म भी होगा डी की फॉर्म भी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका साइन ए एक्स आई। अब यहाँ पे क्या करना है, यदि हम डी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दें माइनस का ए स्क्वायर रख दें, ठीक है, हम डी स्क्वायर की जगह पर अगर माइनस का ए स्क्वायर रख दें और यदि ये क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो हमारा जो पी आई है वो क्या फॉर्म बन जाएगी, वन अपॉन एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर नीचे रहेगा ऊपर रहेगा और यहाँ पर रहेगा साइन ए एक्स, ये कहलाएगा इसका पी आई, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा कन्फ्यूज बच्चों को होता है, यहाँ पर जब साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स आता है तो हमेशा माइनस का ए स्क्वायर रखना होता है और यदि ई रेज टू पावर ए एक्स आता है तो जो डी है वहाँ पर हम क्या रखते हैं, वहाँ पर हम ए रखते हैं, ठीक है। अब चलिए अब लेते हैं केस सेकेंड, तो केस फर्स्ट हो गया जब आपने माइनस का ए स्क्वायर रखा डी स्क्वायर की जगह पर और नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। केस सेकेंड ले लेते हैं अपन, यदि हमने क्या रखा
डी स्क्वायर की जगह पर माइनस का ए स्क्वायर रखा, ठीक है, और रखते ही वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई ज़ीरो। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो उस केस में क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ लेता हूँ मैं साइन ए एक्स। ठीक है, इसको आप उसके अपॉन में ले जाओ तो जब हम पी आई निकालेंगे तो आप लिएगे वन अपॉन एफ ऑफ डी साइन ए एक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपने डी स्क्वायर जहाँ भी आ रहा है, अगर डी स्क्वायर जगह माइनस का ए स्क्वायर रखा और वैल्यू नीचे जीरो हो रही है तो उस केस में क्या करना है, इस साइन हो या कॉस हो, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स दिया हुआ है, तो ये हम जानते हैं कि क्या होता है, ये एक तरह का ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है और ये क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। तो यदि यहाँ पे साइन ए एक्स की फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वन अपॉन एफ ऑफ डी इमेजनरी पार्ट ए रेस टू पावर आयोटा ए एक्स। ठीक है, और यदि यहाँ पर क्या होता, कॉस एक्स होता तो हम लिखते रियल पार्ट, रियल ऑफ पार्ट ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा एक्स। क्लियर है, तो देखो इसको हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं वन अपॉन शॉर्ट फॉर्म में एफ ऑफ डी इमेजनरी पार्ट ई रेस टू पावर आयोटा ए एक्स। क्लियर है, अब इसके बाद जहाँ भी डी आ रहा है अब वहाँ पे हम डी में क्या पुट करेंगे, आयोटा ए रखेंगे। और ये केस कैसा हो गया, केस सेम वही हो गया जैसा हमने अभी पहला केस करा था। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में किस तरह से करने हैं और उसे क्या प्रोसेस रहेगा। चलिए तो कोई क्वेश्चन देखते हैं अपन, उसे फटाफट समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस का 9y, यहाँ लेते हैं सॉरी 9y बाहर लेता हूँ मैं, 9 अंदर है y बाहर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू कॉस 2x। ठीक है, प्लस एक लेता हूँ मैं यहाँ पर साइन 3x। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ए ई ऑक्सिलरी इक्वेशन, निकालो जरा क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से आपने m के फैक्टर निकाले तो प्लस माइनस कितना आ रहा है, 3 आयोटा आ रहा है, तो मेरे पास सी एफ है क्या बन जाएगा इसका, सी वन कॉस 3x प्लस सी टू साइन 3x। क्लियर है, अब निकालेंगे इसका हम पी आई, जो हम पी आई निकालेंगे यहाँ पर तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 ये नीचे आ गया, यहाँ आएगा आपके पास कॉस 2x प्लस साइन 3x। आपने क्या किया, इसको इससे अलग कर लिया, इसको इससे अलग कर लिया, तो देखो आप वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 कॉस 2x प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 साइन 3x। ठीक है, अब देखो इसमें हम अलग फॉर्म लगाएंगे, इसमें अलग फॉर्म लगाएंगे, तो देखो जरा यहाँ पे आपने क्या किया, जहाँ भी डी स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इस 2 को यहाँ रखोगे डी स्क्वायर करके, उसका स्क्वायर करके, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो मैंने यहाँ माइनस 4 रख दिया, तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9, तो कितना आ गया यहाँ पर कॉस 2x प्लस साइन, यहाँ पे एक तरह दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर अगर 9 हो गया तो माइनस 9 को जैसे आपने यहाँ रखा डी स्क्वायर की जगह पर, तो माइनस 9 और प्लस 9 वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब यह वाला केस कौन सा हो गया, सेकंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस था, तो फर्स्ट केस में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन सेकंड केस में क्या करते हैं, अगर नीचे 0 बनता है तो आपने क्या करेंगे, इसको डी स्क्वायर प्लस 9 अजीत है यहीं पर, इसको आप चेंज कर दोगे इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू पावर 3x आयोटा। ठीक
ठीक है, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी है, इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो 1/5 cos 2x ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, सेम पहले की तरह। अब देखो जैसे ही आपने क्या किया, 3i कहाँ रखा, यहाँ d की जगह रखा, क्योंकि ये केस फर्स्ट केस हो गया जो हमने पढ़ा था, e टू पावर x वाला केस। तो वहाँ पे क्या करते थे अपन, a को पुट करते थे d की जगह पर। तो अब यहाँ पे a कितना है, आयोटा 3a है आपका, आप रखोगे यहाँ पे 9 0 हो जाएगा, और जब भी 0 था तो क्या करते थे अपन, ऊपर करते थे x इन टू और नीचे कर देते थे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d, जाएगा 2d + 0, महंगा 0 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा x। अब देखो जैसे दोबारा से आप d की जगह आप क्या रखोगे, 3i रखते अगर नीचे, अब ये नीचे 0 नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए तो देखो आगे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे जो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/5, तो ऐसे रहेगा cos 2x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन, ठीक है, लिखता हूँ मैं इमेजिनरी पार्ट x अपॉन, आपको क्या करना है, जहाँ भी d आ रहा है वहाँ पे क्या रखना है, 3i, तो जाएगा 6i, और यहाँ कितना है, सॉरी ये यहाँ कितना है, e^3i x है ना, और इसको बंद कर देंगे अपन, अब क्लियर है। चलिए तो ये तो आपका जिटीज़ है, जैसे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका ऐसे चलेगा, इमेजिनरी पार्ट, जब भी आयोटा नीचे आता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसको आप ऊपर से आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाएगा आयोटा x, जो जाएगा -1 e^3x, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है, 1/5 cos 2x ऐसे लेगा प्लस साइन। हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसे खोल लेते हैं अपन, तो आयोटा x आपका ऐसे रहेगा, माइनस साइन है, ये खोलोगे आप तो क्या बन जाएगा, cos 3x + iota sin 3x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें आयोटा को अंदर ले जाना है, और इस पूरे में से जो इमेजनरी पार्ट है उसको लेना है। तो देखो आप आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, इमेजनरी, आयोटा को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा रियल पार्ट बन जाएगा, और हमें क्या निकालना है, केवल इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जो जाएगा -sin x cos 3x, क्योंकि ये तो रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, x cos 3x, ये कहलाएगा हमारा इसका इमेजनरी पार्ट। और स्टार्टिंग में दे रखा है 1/5 cos 2x, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा pi, तो ये हमारा बन गया pi। तो इस प्रकार से हम pi निकालते हैं। तो देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हमने दोनों केस देख लिए, जिसमें एक बार 0 हो रहा है वो, और एक बार 0 नहीं हो रहा है वो। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे अपन आगे, तो आज इतना ही सफिशियंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और करते हैं। ठीक है, थैंक यू।